कृपया ध्यान दीजिए, दोनों ही टीमों के बीच में ये दूसरे सेट का मैच 13-10 यूएस नगर के फेवर में जो था, 13 यूएस नगर और 10 नैनीताल हिल गई। तो कृपया इंतजार कीजिए चंद क्षणों का, और आपके सामने अब ये पेश है। अगले क्षण। धन्यवाद भटजी, आपने जो ज्ञान दिया वो खिलाड़ियों के लिए सर्वोपरि है। खेल ही खिलाड़ियों का परिचय है। जो खिलाड़ी खेल खेल के परिचय देगा अपने खेल का, एक बार जो है पुनः ये खेल जो है आरंभ हो रहा है। 10-13 का स्कोर था, ये चीजें खेलेगा, हमारा सौभाग्य होगा कि हमारी लीग का खिलाड़ी दोबारा से जो है खेल में जाए होने जा रहा है। ये मैच जो है कुछ विवाद के कारण जो है स्थगित किया गया था बीच में, और इसी खेल को प्रारंभ करते हुए आगे मैं आपके टीम ओनर नैनीताल हिल सतपाल जी का धन्यवाद देता हूं, कोच का धन्यवाद देता हूं, उधमसिंह नगर के कोच का धन्यवाद देता हूं, ओनर का धन्यवाद देता हूं। खेल की गरिमा को बनाया दोनों टीमों ने, दोनों ही टीमों के कोचेज मैनेजर ऑनर्स का धन्यवाद देता हूं। और ये देखो जोर जोर से एक गेम स्टार्ट हो गया है, नैनीताल हिल जय वर्सेस उधम सिंह वॉरियर्स, और ये प्राप्ति किया। और ये जो है दर्शकों के बीच जो है बहुत ही उत्साह है उधम सिंह नगर वॉरियर्स का, ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जो है लाइव टेली कास्ट का जो है मजा ले सके। और ये आउट, और इलेक को एक अंक, इलेक ओटाहंड की प्रथम लीग में अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक अंक बढ़ा 15-11 नैनीताल हिल्स इलेक के कोच जो है उधम सिंह नगर के हैं स्कोर में, और 11 पे पॉइंट पे जो है नैनीताल हिल्स है। जबरदस्त मैच चल रहा है, इस फर्स्ट सेमीफाइनल है। बॉल अटैक, एक ओवर 12-15। सर्विस नैनीताल हिल्स से, वॉरियर्स अटैक ड्रॉप, चार नंबर ने अच्छी रिसीव की, पास बॉल, एक हाथ से बॉल ड्रॉप, बहुत बढ़िया डिफेंस नैनीताल हिल्स की ओर से, बॉल फिर डिफेंस, बहुत बढ़िया डिफेंस नैनीताल हिल्स की, और ये अंक प्राप्त किया नैनीताल हिल्स ने 13-15। जबरदस्त खेल का उत्साह प्रथम उत्तराखंड वॉलीबॉल लीग में, दोनों ही टीमें टक्कर की, सर्विस नैनीताल हिल्स की ओर से, ये जबरदस्त सर्विस बॉल, और एक और अंक प्राप्त किया 14-15। दोनों ही टीम से जोर शोर से अपनी टीम का उत्साह वर्धन किया जा रहा है। अच्छी सर्विस, बहुत जबरदस्त बॉल आउट, तो बड़े डिफेंस, बॉल क्रॉस की गई, फिर बढ़िया, फिर मोनू, फिर ये एक अंक प्राप्त किया 16-14। ये ऑफिशियल टाइम आउट लेस वाला, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छी सर्विस, अच्छी रिसीव, बॉल क्रॉस की गई, फिर बॉल बनी, तो डिफेंस, और ये अटैक, फिर डिफेंस,
जबरदस्त जोश के साथ खेलती हुई उधम सिंह नगर की टीम, तारीफ करनी होगी पिंटू तोमर और विवेक रावत की, जो टीम का सपोर्ट कर रहे हैं जबरदस्त। सर्वेश उधम सिंह और इनकी ओर से अच्छी सर्विस, अच्छी रिसीव, बहुत बढ़िया क्रॉस की उपाय, एक अंक प्राप्त किया 15-17। दोनों ही टीम के कोच मैनेजर और ये उधम सिंह नगर की तरफ से जो है दो पॉइंट की लीड बरकरार बनाए रखी है, कंटिन्यू जो है सर्विस अभी नैनीताल हिल की तरफ से, जबरदस्त मैच चल रहा है। एक और ड्रॉ, उत्तराखंड वॉलीबॉल के परिवार की ओर से दोनों टीम कोच मैनेजर सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। अच्छी सर्विस, अच्छी रिसीव, निंदाली कटे और एक और अंक निंदाली को 16-18। जबरदस्त कॉन्टेस्ट दोनों टीमों के बीच में, दूसरा सेट सागर बहुत बढ़िया डिफेंस निंदाली के ओर से और एक क्रॉस की गई बॉल, सागर अटैक 16। मेरा रेफरी बोर्ड से है निवेदन कि सेकंड सेट चल रहा है, उसमें सेकंड सेट टॉप पर है। और ये जो है उधम सिंह नगर जो है 3 पॉइंट लीड के साथ जो है, और ये जो है पॉइंट अर्जित करते हुए नैनीताल हिल्स की टीम जो है 17-19 का स्कोर है, 17 नैनीताल और 19 जो है 19 पे उधम सिंह नगर, सर्विस नैनीताल हिल्स की तरफ से। अच्छा रिसीव लेकिन पास चॉस किया गया, बॉल अटैक डिफेंस बॉल सागर, एक और जबरदस्त अटैक, स्कोर को है 100 सही कर दे भैया। ये जो है 20-17 का स्कोर है, 20 उधम सिंह नगर और 17 जो है नैनीताल हिल्स, जबरदस्त मैच चलता हुआ फर्स्ट सेमीफाइनल, नैनीताल हिल्स की तरफ से जबरदस्त ड्रॉप, 18-20 का स्कोर, नैनीताल हिल्स उधम सिंह वॉरियर्स। 56 लोग जो है लाइव देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग डिजिटल सारथी के साथ लाइव मैच का आनंद ले सकें। और ये एक और बढ़िया डिफेंस, आप लोगों से निवेदन है कृपया रेफरी के निर्णय को माने आप, प्रथम रेफरी का निर्णय सब मान्य होगा, आप लोगों से परिचय से खेल परिचय का भावना का परिचय दें आप। और ये जो है रेफरीज का निर्णय जो है सर्वमान्य होता है किसी भी
लीग हो चाहे क्रिकेट हो चाहे वॉलीबॉल हो चाहे फुटबॉल हो, रेफरी का निर्णय जो है सर्वमान्य होता है और खिलाड़ी को जो है उसमें उसका पालन करना चाहिए रेफरीज के। दोनों ही टीम ने अपनी खेल भावना का परिचय दिया। अच्छी रिसीव नैनीताल हुई की ओर से, डिफेंस उधम सिंह वॉरियर और एक और अंक प्राप्त किया नैनीताल हुई ने 19-21। जबरदस्त खेल प्रथम उत्तराखंड वॉलीबॉल लीग में सर्विस नैनीताल हिल और ये जबरदस्त मैच चलता हुआ सेमीफाइनल जो है अटैक उधम सिंह नगर के तरफ से जबरदस्त अटैक था बॉल पर अटैक और ये फाउल। अरे पारस भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 20-21। अच्छा कम बैक करती हुई नैनीताल हिल्स की टीम 20-21 का स्कोर है एक पॉइंट की लीड से जो है पिछड़ता हुआ। बहुत बढ़िया डिजिटल साथी हमारा इंटरव्यू होगा इसमें कि नहीं, हालांकि हमारी टीम बाहर हो चुकी थी। जी 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 कौन सी टीम का जिसके सारे मैच देख लेना बहुत जबरदस्त खेल का परिचय दे रही है। उत्तराखंड प्रथम वॉलीबॉल लीग में और ये जो है टाइम आउट लेती हुई दोनों ही टीमें जो है नैनीताल हिल्स जो है पिछड़ती हुई गेम पॉइंट पर जो है उधम सिंह नगर बनी हुई है 3 पॉइंट की लीड से जो है पिछड़ती हुई नैनीताल हिल्स की टीम। देखते हैं दूसरा सेट जो है पहले ही एक सेट ले चुकी है उधम सिंह नगर की टीम। बहुत बढ़िया ऋषभ भाई तारीफ करनी होगी विवेक रावत कोच और पिंटू तोमर जी की जिन्होंने जो है किस तरीके से तैयार किया गया है अपनी टीम को। जबरदस्त डिफेंस पास लेके 1 पॉइंट की जरूरत है उधम सिंह नगर की टीम को। बारे बारे जबरदस्त और ये जो है 2 सेट जो है कंटिन्यू ले चुकी है। 5 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा आप कहीं मत जाइएगा बने रहिएगा डिजिटल साथी के साथ।
डिजिटल साथी, डिजिटल साथी नैनीताल हिल्स के तरफ से जबरदस्त अटैक। जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जो कैमरे के आगे घूम रहे थे वो करतारा भाई है हमारे, उधम सिंह नगर की टीम से खेल रहे हैं ये। जबरदस्त ब्लॉक, जबरदस्त ब्लॉक, उधम सिंह नगर की तरफ से जबरदस्त ब्लॉक। और ये जो है सागर मलिक का जो है कोई जवाब नहीं, जबरदस्त अटैक करते हैं। आउट मार बैठे, आउट मार बैठे। 13 नंबर के जर्सी में जो प्लेयर है उधम सिंह नगर की तरफ से, देखते हैं 4-2 का स्कोर। उधम सिंह नगर की टीम जो है 2 पॉइंट से पिछड़ती हुई। और जो है 5-3 का स्कोर, 5 पॉइंट पे नैनीताल हिल्स और 2 पॉइंट पे जो है उधम सिंह नगर की टीम ने 1 पॉइंट और हासिल किया है। और ये 4-5 का स्कोर, 1 पॉइंट की लीड बरकरार है नैनीताल हिल्स के।
जो है दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्साह हो गए। गुड पास है बेटे मोर भाई फटका और ये जो है 8-7 का स्कोर जो है नैनीताल हिल्स जो है 8 पॉइंट पे 7 पॉइंट पे उधम सिंह नगर जबरदस्त मैच चलता हुआ। गुड पास से बेटे कोई ना कोई नहीं।
एक हनुमान मंदिर और ये जो है वॉल पे चलता हुआ मैच जो है ऑल हो गया है, 12-12 का स्कोर है, जबरदस्त मैच चलता हुआ। और ये नैनीताल हिल्स की तरफ से जो है पॉइंट अर्जित करते हुए आप लोग थोड़ा खिलाड़ी को ध्यान दें।
खिलाड़ी के स्टेजिंग आ गई है, ध्यान दे खिलाड़ी को आप। ऑफिशियल टाइम आउट, कृपया खिलाड़ी को खिंचाव आ गया है टांगों में, जरा ध्यान दें। खिलाड़ी के टांगों में कुछ लास्ट पे जो खिंचाव और गेंद थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, लाइव देख रहे हो कौन कौन चल रहे हैं? कैसे पता चलेगा? खिलाड़ी के मांसपेशियों को खिंचाव और गेम थोड़ा हेलो ऑफिशियल टाइम आउट को देखते हुए आप टीम कोचेज और मैनेजर्स को निर्देशित करें। आप लोग दूर रहे, सिर्फ टीम कैप्टन ही संपर्क कर सकता है निर्णायक से। उल्टी बातें, वो बॉल एयर में किससे पूछे? अरे भैया बॉल तो डेड हुई नहीं, बल्कि दिख रहा था दूसरा अलग लेटा हुआ बॉल है, कौन सा है तो बताओ। बिल्कुल फ्री ब्लॉगर को यार से आ जाओ।
आप खेल भावना का परिचय दीजिए, खिलाड़ी के थोड़ा सा खिंचाव आ गया है और फिर से अनुरोध है कृपया आप ऑफिशियल टाइम आउट लेके खेल प्रारंभ करें। ऑफिशियल टाइम आउट 3 मिनट। मुझे बोल देते ना माफ कर ले, कुछ सर्विस मरवाते अब तो सटर पता कैसा है, वो लाइव आ रहा ना लाइव पे, वो कैंप लगा था, मैंने कहा भैया बैग बोल दिया था, कह रहा बैग नहीं आता क्या किया ठीक है बोलो तो क्या बोलूँ अब तो पूरा फाट गया बैग रख लियो काम आएगा मजाने के लिए। 27 से शुरू है तुम्हारे कहाँ पे 8 बजे शुरू क्या कोची का प्लेन 27 से 3 बजे का जुगाड़ और कर लिया क्या पकड़ा पेशियों में खिंचाव, फिर भी टीम जुझारू बन से ग्राउंड में उतला और गेम फिर से प्रारंभ होता हो पार्टी का मुकाबला सुंदर नेता हिले की ओर से। दो बेहतरीन टीम आगे सामने देख रही है, वास्तविक तरफ और दूसरी तरफ है टीम नैनीताल हिल्स ने। ऋषभ बिश्नोई कप्तान यूसिफ वॉरियर्स के, मनु कुमार सागर मलिक को निगाहें होंगी, सोनिक सलार सचिन कुमार पारस जैन और अंकित उनियाल, ये है इस समय स्टार्टिंग 11, स्टार्टिंग 6 ही अगर टीम की बात करें। वहीं सावन अविनाश सौरभ नरेंद्र गौरव अंशुल और सनी और साथ में वैभव की जोड़ी नैनीताल हिल्स लेक के लिए बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिहाज से। सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने की दावेदारी पेश कर रही दोनों टीमें, देखना होगा मुकाबला कुछ क्षणों में शुरू होगा। ये मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लाइव एक्शन के साथ। जुझारूपन दिखाते हुए नैनीताल हिल्स अपनी टीम को आत्मनिर्भर बनाते हुए और फिर मैदान में 15 आउट। और रेफरी का निर्देश गेम प्रारंभ।
हेलो चेक हेलो हेलो अरे कुछ और बात है। तो फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच पहला सेमी फाइनल मैच। और दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम परिचय देते हुए मैदान में दोबारा तरीके से और यही दोनों जुझारू पर यही है लीग की खासियत। बिल्कुल यार खासियत लीग की होगी क्योंकि बहुत बड़ा मैच है पहला सेमीफाइनल में जहाँ पर खेला जा रहा है दोनों टीमों के बीच। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगा क्योंकि यहाँ से कोई भी टीम अपनी गलती नहीं करना चाहिए। यार आ रहा वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट ये है कि यहाँ पर सागर पारस और ऋषभ अगर ये अच्छे कार्य करते हैं तो अपनी टीम को यहाँ पर फाइनल में प्रवेश जरूर कराएंगे। आपका कहना उचित है खिलाड़ी के गेम ही गेम का परिचय है। यो कहेगा शॉट वाला वेव और वेव वाला काउंटर वाला शॉट यार। तो क्या आपको लगता है कौन सी टीम यहाँ पर जाने वाली है फाइनल प्रवेश में? दोनों ही टीमें जुझारूपन से खेल रही हैं और किसी भी टीम की फाइनल पहुंचने की संभावना 100% है। और बिल्कुल आपकी बात सही है क्योंकि जो टीम अच्छा कार्य करेगी जो टीम अच्छा खेलेगी वो फाइनल के लिए खेलने वाली है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर चल रहा है दोनों टीमों के बीच। कोई भी टीम गलती नहीं करना चाहेगी और दोनों टीम मजबूत है जो अच्छा कार्य करेगी वो सीधा फाइनल में खेलने वाली है। और ये गेम प्रारंभ होता हुआ सभी ने अपने खेल का परिचय देते हुए नैनीताल हिल्स उधम सिंह नगर वॉरियर्स भाजी फोकस मार दो जरा स्टार प्लेयर चला गया। ओ माय गॉड सन्नी मुझे दिया। और ये जो है नैनीताल हिल्स की तरफ से जो है 7 नंबर जर्सी में जो है सोनी उतरते हुए उनके प्लेयर के जो है मांसपेशियों में खिंचाव के कारण जो है खिलाड़ी को चेंज करना पड़ा। मेरा नाम है विकास सिंह आप सभी का स्वागत। देखते हैं 15 ऑल पे गेम चल रहा है देखते कौन सी टीम बाजी मारती है। खूबसूरत मेजबानी देखना होगा पुनः के शुरू होता हुआ सर्विस करने के लिए बेहतरीन खिलाड़ी वेस्टर्न वॉरियर्स के डबल ब्लॉक की कोशिश कर रहे सागर मलिक और मोहम्मद कुमार से लेकिन मौका नहीं मिलेगा वन तर्जित की है इस समय टीम ने। बिल्कुल विकास यहाँ से बेहतरीन मुकाबला है और 16-5 का स्कोर यहाँ पर विकास नैनीताल हिल लेक 1 पॉइंट की लीड के साथ आगे है। विकास यूएसएन वॉरियर्स जिसके 15 पॉइंट है यहाँ पर। मेरे तिवारी जी और कुमार थापा साहब अमित सर और हमारे लीग के आयोजक रूहे रमा बड़ा नाम अगर बात करें सचिन सिंहवाल सर अपने समय के बेहतरीन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी क्या शानदार मंच दिया उन्होंने बोल दी एक एक पॉइंट की जद्दोजहद है इस समय गलती हो के बीच क्या शानदार मुकाबला यूएसनगर वॉरियर्स 2-0 की लीड के बाद इस मुकाबले में वापस इस समय आई है क्या ये सेट जीत करके फाइनल नैनीताल हिल्स के सामने बेहतरीन प्लेसमेंट इस समय न तो फ्रंट कोर्ट से नहीं बैक कोर्ट से कोई मौका नहीं समय पॉइंट से क्या नैनीताल हिल्स के दबाजों ने बिल्कुल विकास यहाँ पे शानदार ड्रॉप किया और एक और पॉइंट अपने नाम अंकित किया बेहतरीन मुकाबला इस बार यहाँ पर
दोनों टीमों के बीच एक एक पॉइंट की जोर से है इस समय 17-16 72-17 एक एक पॉइंट के लिए संघर्ष है इस समय बहुत कामगार है स्मैश क्या कहने 10 नंबर के जैसे खिलाड़ी इवेशन वॉरियर्स के लिए नाम है ऋषभ बिश्नोई 17-9 17-17 पॉइंट की बराबरी पे कमजोर दिल वाले मैच न देखें शानदार मुकाबला यही दिवाली है हमारे ऑफिसर्स की तारीफ करते हुए बोलिए लगातार अपनी सेवाएं दे रहे सुबह से ही आयोजन समिति में सचिन सिंहवाल जी अमित जी और पूरी टीम इस समय क्या ड्रॉप डाला है देखने लायक प्लेसमेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड लाजवाब एक और पॉइंट वॉरियर्स के खेमे में 18-17 का स्कोर तीसरे सेट में और साथ ही साथ हेमंत सिंह जी विस्ट हमारे लीग के चेयरमैन बढ़िया मुकाबला खेल रही बॉल पे सेट करती हुई टीम दूसरी तरफ सतपाल जी की टीम है ये स्मैश क्या कहने बिल्कुल विकास वहां पर कोई मौका नहीं था इस बार इस अटैक को रोकने का जर्रे जर्रे में रोमांच समाया हुआ इस समय उत्तराखंड उत्तराखंड के बाद क्षेत्र में खेलों की एक नई सौगात और क्या बेहतरीन इसकी आवाज हुई है सर्विस किया इस समय साकर मलिक ने बॉल कलेक्ट किया सोनिक सोनार ने देखना होगा इस समय 10 नंबर की जर्सी कुलदीप अब लीड बड़ी हो रही है इस समय इवेशन वॉरियर्स 20 पॉइंट पे और 17 पे टाइम आउट लिया है यानी कि शाम की चाय और बड़े लोगों की राय लेनी जरूरी है योजनाओं पे बात होगी रणनीतियों पे बात होगी स्वागत है मंत्री वॉल्स का आप सभी का क्या शानदार माहौल 17-20 का स्कोर 3 पॉइंट की लीड जरूर है लेकिन कभी भी नैनीताल हिल एक बार से सर्विस है सागर मलिक की देखना होगा इस समय सर्विस को सेट चुका है एक बढ़िया टीम है लेकिन लगता है धीरे धीरे अपने आप को विश्वास को खोती हुई टीम सागर मलिक के साथ मुकाबला लगभग जीत एक एक पॉइंट के जद्दो जहद वो इस बार बॉल को सेट किया जरूर थोड़ी सी मंत्रणा के दरकार है योजनाओं को काम करने की कोशिश करेगी थी बॉल को सेट किया ड्रॉप किया बॉल के समय बेहतरीन सागर मलिक और भाई फटका है जाकर सफर राम से राम से राम से बढ़िया मौका है और ये जो है बागेश्वर वॉरियर्स जो है फाइनल में जगह बना ली है इन्होंने नैनीताल हिल्स को मात दी है 3 सेट कंटिन्यू
अर्जित किए। बात करें सर उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग का, पूरी कोशिश है हमारे आयोजकों की ये पहला बेहतरीन लीग की शुरुआत है आप सभी को। चलो चलो बढ़िया शानदार मौका। और ये हमारे विवेक रावत जी जो है टीम कोच और टीम मैनेजर, ये हमारे ठाकुर पिंटू तोमर जी टीम मैनेजर जो हैं, साथ में टीम मैनेजर ऑनर कोच छोटे भाई कोच विवेक रावत। फाइनल में जगह बना ली है इनकी टीम ने, जबरदस्त मैनेजर बढ़िया।